मुंडेल पुलिस थाना अंतर्गत 6 सितंबर 2016 में आर्किटेक्ट एकनाथ निमकड़े हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पूरे 5 साल बाद इस हत्या का खुलासा हुआ है। इस मामले में रंजीत साफलकर को हत्या की सुपारी दी गई थी। नागपुर क्राइम ब्रांच ने हत्या के 5 साल बाद खुलासा करते हुए रंजीत साफलकर, शरद और कालूहाटे, नपू और उसके अन्य साथी शामिल है। वर्तमान में कुल 14 आरोपी हैं और आगे की जांच सीबीआई टीम द्वारा की जाएगी। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार इनके द्वारा दी गई। 6 सितंबर 2016 में तहसील पुलिस थाने में गुनाह दर्ज हुआ था। इस मामले में पहले नागपुर पुलिस जांच कर रही थी, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। इस मामले में पूरे 5 साल बाद खुलासा हुआ है। दरअसल मामले में 14 आरोपी थे और मुख्य रूप से रंजीत साफलकर और शरद उर्फ कालूहाटी मुख्य आरोपी हैं। साथ ही अन्य लोग भी इस मामले में शामिल हैं। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई है। एकनाथ निमगडे चे मर्डर प्रकरणात ज्यामध्ये 6 सप्टेंबर 2016 रोजी तहसील पुलिस स्टेशनला गुन्हा दाखिल झाला होता, त्याच्यानंतर तपास नागपूर शहर पुलिसकडे काही महिन्या होता आणि नंतर ते तपास सीबीआयकडे वर्क करण्यात आला होता। त्यामध्ये सध्या जे अनडिटेक्ट मर्डर आहे त्याच्याबद्दल माहिती काढण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती आणि त्या अनुषंगाने 14 आरोपींचे त्या गुन्ह्यामध्ये समावेश होता अशा प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे। त्यामध्ये रंजीत साफलकर क्रिमिनल आहे रेकॉर्डवरचे, त्यांनी सुपारी घेतली होती आणि पुढे त्यांनी आणि कालूहाटेंनी मिळून नब्बू आणि इतर 11 लोकांना ही सुपारी त्यांनी दिली होती आणि त्यांनी 6 सप्टेंबरला फायरआर्म 7.65 mm वेपन वापर करून त्यांनी एकनाथ निमगडेची हत्या केली होती। सदर प्रकरणाची तपास सीबीआयकडे असल्यामुळे संपूर्ण माहिती सीबीआयकडे देण्यात आलेली आहे। त्यांची एक पथक आज सकाळीपासून शहरात आहे आणि त्यांचे पण विचारपूस सुरू आहे। त्यांना ही माहिती दिल्यानंतर त्यांचे काही प्रोसिजर असतात, ते प्रोसिजर पूर्ण केल्यानंतर ते आरोपीची अटकबद्दल पुढील निर्णय ते त्यांच्याकडून घेण्यात येईल। एकनाथ निमगडे व्यवसाय से बिल्डर थे। 6 सितंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे 72 वर्षीय आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे पर गोलियां चली और उनकी मृत्यु हुई थी। यह हत्या जमीन के व्यवहार को लेकर की गई है। इस हत्याकांड को 14 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। इस हत्या की सुपारी रंजीत साफलकर ने ली थी, यह भी स्पष्ट हुआ है, लेकिन साफलकर और कालूहाटे फरार है जिनकी खोज शुरू है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।